ये है ऑटो डिलक्स पीएस मीटर मॉडल एलटी दौर। ये इलेक्ट्रोड है, इसमें इलेक्ट्रोड पहले इसमें लगाना रहेगा, फिर इसको खोलना पड़ेगा। खोल के ये 7 PS है, 7 PS में डाल के इसको मैंने कनेक्ट कर देंगे। ये टेम्परेचर प्रोब है, PT100 प्रोब, ये मैंने कनेक्ट कर देंगे इसमें। इसको कनेक्ट करने के बाद इसको जो अपने मैनुअल में देखोगे तो इसको टेम्परेचर का सेट करना पड़ेगा। तो पहले जो पीएस है इसमें पीएस देखोगे तो टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। मैंने पीएस देखेंगे तो इसमें टेम्परेचर अभी 22 डिग्री चल रहा है, मैंने 22 डिग्री कर दिया। ये अभी 7 मैंने कैलिब्रेट करेंगे। ये वॉश करेंगे, वॉश कर लिए, करने के बाद ये 4 PS में डाल दिए। 4 PS में कैलिब्रेट करेंगे इसमें। अभी 4 PS कैलिब्रेट हो रहा है। ये जो हो गया, ये 4 PS और 7 PS कैलिब्रेट हो गया। ये अभी देखो 7 7 7 आ रहा है, ये 4 में 4 आएगा, 4 में 4 आ गया। मेरे को क्या बनेगा देखना पड़ेगा इसमें कितना, ये सपोज सैंपल है, सैंपल में देखना पड़ेगा कितना रीडिंग आ रहा है। ये सैंपल में रीडिंग आ गया 6.450। ये इसका पीएस है, ये आपने देख लिए पीएस। जैसे आपको ऑटोमेटिक में जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंपेरिजन, इसमें मोड बटन प्रेस करके इसमें लेके जाके देख जाना पड़ेगा। जाने के बाद इसमें 4 PS 7 PS को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, तब तो इसका नाप का कोई ज़रूरी नहीं है। ऑटोमेटिक आपका सैंपल में इसको सैंपल उसका साथ डालना पड़ेगा, आपको रीडिंग ऑटोमेटिक बता देगा। ये हो गया 7, ये 4 हो गया, फिर भी मैंने 4 कैलिब्रेट कर रहा हूँ। ये 4 7 कैलिब्रेट हो गया। ये सपोज आपको कोई सोल्यूशन है, ये एक साथ इसमें सपोज ये इसमें मैंने डाल दिया भाई सैंपल में वॉश करके, ये बता रहा है 9.11। ओके, थैंक यू।